पीएम मोदी जनवरी में कर सकते हैं गोरखपुर का दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर वासियों को मिल सकती हैं कई परियोजनाएं। शराब नीति केस में आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इससे पहले ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को भेजा था समन। लोकसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 नए बिल हुए पास। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा नया कानून। बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा जाएगा। शमी समेत 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। संघ लोक सेवा आयोग ने सीरियस 1 के पदों पर निकाली भर्तियां। उम्मीदवार 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया को 2 माह में पूरा कराने का दिया आदेश। हिंदू पक्ष की अर्जी पर ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर वाराणसी कोर्ट सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील। यूपी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की नई पहल। प्रदेश में अब सड़कों के किनारे लोहे के नहीं बल्कि बैम्बू क्रैश बैरियर का होगा निर्माण। यूपी के 18 जिलों में शहर से बाहर किए जाएंगे सरकारी निजी बस अड्डे। यातायात निदेशालय ने अधिकारियों को 25 दिसंबर तक कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार राजमार्ग टोल प्लाजा को जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली में बदलने की कर रही है तैयारी। अगले साल मार्च में देश में जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स।